हेलो वीवर्स, तो आज हम बनाने वाले हैं टिक्की मसाला बिल्कुल आसानी से घर पर। और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसी फूड पर। मैं हूँ फलक। ये मसाला आप किसी भी तरह की टिक्की में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसे आलू टिक्की के लिए, जिसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच जीरा। जीरा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है भुनने के लिए, इसके लिए मैंने इसे पहले डाल दिया है सिंगल। अब जीरा थोड़ा भुन गया है और अच्छी खुशबू आने लगी है, तब इसमें मैं डाल दूंगी इसकी एग्जैक्ट हाफ क्वांटिटी धनिया। तो ये अक्की धनिया हमें 1 चम्मच लेनी है। इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज हो जाए और इसमें अच्छी खुशबू आने लगे। ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच ही काली मिर्च। तो जीरे की जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपको आधी क्वांटिटी इन तीनों चीज़ों की लेनी है, अक्की धनिया, काली मिर्च और सौंफ। तो सौंफ भी मैंने यहाँ पे 1 ही चम्मच लिया है। तो इसे मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पे रख के कंटिन्यूसली चलाते हुए आपको रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अभी जब ड्राई रोस्ट हो जाए अच्छे से तो गैस तुरंत बंद कर देंगे और इसे तवे पे बिल्कुल भी ना रखें, वरना इसकी कुकिंग चालू ही रहेगी क्योंकि तवा गर्म है। तो इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे हम मिक्सर ग्राइंडर में। अब मिक्सर ग्राइंडर में चाहे तो थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए रुक जाए, 1 से 2 मिनट, और फिर ग्राइंड कर लीजिए। तो इसे पूरी तरह से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तवे से ग्राइंडर पे। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ें रह गई है डालने के लिए। ये देखिए, सारा ये ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसका बड़ा बैच बना कर रख सकते हैं, मैंने इतनी क्वांटिटी में ही बनाया है। ये हुई पहली पाउडर्ड स्पाइस में आमचूर पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा अराउंड 1/4 टीस्पून आपको नमक डालना है और इसे ग्राइंड कर देंगे। इस मसाले को किसी भी तरह के टिक्के में इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।